भारत की सबसे साफ नदी। कांच की तरह पारदर्शी है इस अद्भुत नदी का पानी। भारत में नदियों की स्थिति एक बड़ी चिंता का विषय है और पर्यावरणविदों का मानना है कि भारत में नदियां तेजी से मर रही हैं। समाज सेवी संस्थाओं द्वारा नदियों को बचाने के लिए नए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा भी नदियों की साफ सफाई को लेकर कई प्रोजेक्ट लाए जा चुके हैं और हर साल करोड़ों रुपए नदियों की सफाई पर खर्च किए जाते हैं, पर जमीनी स्तर पर ये कितना सफल है ये सभी जानते हैं। भारत में नदियों की बदतर होती स्थिति के बीच आज हम आपको ऐसी एक नदी के बारे में बता रहे हैं जो एक मिसाल है कि अगर हम चाहें तो हर नदी को इसके जैसा बना सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे साफ और स्वच्छ नदी के बारे में, जिसका पानी इतना साफ है कि आप आसानी से उसका तल देख सकते हैं। आइए जानते हैं इस नदी के बारे में। इस नदी के बारे में जानकर आप भी कहेंगे अपने देश में एक नदी ऐसी भी है जो आपके उम्मीद से ज़्यादा साफ सुथरी है। यह इतना साफ है कि नीचे का एक एक पत्थर क्रिस्टल की तरह नजर आता है। इसमें धूल की एक कण भी नहीं दिखती। इसे देश की सबसे साफ नदी कहा जाता है। इस नदी का नाम उमंगोट है। यह मेघालय की राजधानी शिलांग से करीब 95 किलोमीटर दूर है। मानो कांच पर तैर रही हो। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता कि इतनी साफ नदी हमारे देश में हो सकती है जिसमें कूड़े का एक टुकड़ा भी नज़र नहीं आता। इससे सफाई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस पर नाव के चलने पर ऐसा लगता है कि मानो वह किसी कांच के पारदर्शी टुकड़े पर तैर रही हो। नज़ारा बेहतरीन खूबसूरत होता है। जो भी लोग इस नदी को देखकर आते हैं उन्हें लगता है कि वह किसी और दुनिया में हैं, क्योंकि ऐसी नदी धरती पर हो ऐसा उन्हें विश्वास नहीं होता। नदी के चार ओर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ जाने वाले यात्री हर किसी को यही राय देते हैं कि एक बार उमंगोट नदी पर जरूर जाएं। इस नदी की तुलना लोग स्वर्ग में बहती नदी से करते हैं। यह नदी बांग्लादेश और भारत के बीच बहती है। इसके नीचे खूबसूरत गोल पत्थरों की पूरी रूपरेखा नजर आती है। उमंगोट शिलांग के टॉप के करीब बहती है जो बांग्लादेश की सीमा पर बसा हुआ है। जो भी लोग इस नदी को देखते हैं वह बताते हैं कि यह नदी सैकड़ों सालों से इतनी ही साफ है। अंग्रेजों ने इस पर एक ब्रिज भी बनवाया है। इस नदी में बड़ी संख्या में मछलियां भी मिलती हैं। सफाई का सख्ती से पालन किया जाता है। जाड़े में यह और भी खूबसूरत और साफ नज़र आती है। यहाँ आने वाले सभी यात्रियों से यह कहा जाता है कि वह किसी भी तरह गंदगी ना फैलाएं। यदि वह ऐसा करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई हो जाती है। बीबीपी न्यूज सबसे आगे। ऐसी ही रोचक खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।